देशभर में 25 मार्च को होली मनाई जानी है, लेकिन इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। अब शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ऐसे में होली कैसे खेली जाएगी ये बड़ा सवाल है। इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट जरूर देखिए। देश में होली के रंग बिखरे हैं। मथुरा से लेकर काशी तक होली का जश्न शुरू हो चुका है। साधु संतों से लेकर आम लोग होली की मस्ती में डूबे हैं। 25 मार्च को देश भर में होली पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है, लेकिन इस दिन साल के पहले चंद्र ग्रहण का अशुभ योग भी बन रहा है, यानी होली पर इस बार ग्रहण का साया मंडरा रहा है। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। सुबह 10:24 पर ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:01 तक रहेगा, यानी होली पर लगभग 4.5 घंटे तक ग्रहण का साया रहेगा। हालांकि ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ होगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही है, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन होली का त्योहार कैसे मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, होली के जश्न में ग्रहण का साया नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और जब ग्रहण दिखेगा नहीं तो इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। ऐसे में आपके जीवन पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। ग्रहण चंद्र ग्रहण जिसे हम कह रहे हैं, यह भारत में दृश्य नहीं है, और जो चीज जहाँ दृश्य नहीं होती है उसका कोई वहाँ शुभता और अशुभता का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि भारत में है नहीं, इसलिए इसका कोई शुभता अशुभता का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ग्रहण है तो ग्रहण है, लेकिन हमारे यहाँ भी उसका महत्व, भारत में उसका महत्व विशेष करके नहीं है। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई खगोलीय घटना होती है तो उसका प्रभाव सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। वहीं सभी राशियों पर भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। जो सभी राशियों से संबंधित जातकों पर अर्थात व्यक्तियों पर भी इसका प्रभाव निश्चित ही कुछ न कुछ पड़ेगा। ग्रहण काल में आप नवग्रह मंत्रों का जाप करें। गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का जाप लाभदायक होगा। शुभ प्रभाव पाने के लिए श्री हरि विष्णु और महादेव का जप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद काले तिल काले वस्त्र का दान करें। साबुत उड़द आटा दाल चावल और चीनी का भी दान कर सकते हैं। जब राहु केतु चंद्रमा या सूर्य पर आते हैं तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, तो उस समय राहु और चंद्रमा या केतु या चंद्रमा विशेष रूप से ग्रसित करते हैं चंद्रमा को, जिसके कारण से ग्रहण लगता है। तो ऐसे लोगों को समस्याएं आती हैं, जो राहु केतु या उससे पीड़ित हैं उन लोगों को समस्याएं आती हैं, तो इसलिए राहु केतु का विशेष करके इस पर प्रभाव पड़ता है। भारत में होली की मस्ती का खुमार पहले ही लोगों के सर चढ़ चुका है। ऐसे में 25 मार्च को ग्रहण के दौरान भी आप सुबह से ही हर्षोल्लास के साथ पूरे दिन होली मना सकते हैं। इस दिन आप अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग के कपड़े पहने, रंग गुलाल लगाएं और दूसरों को उपहार दें और होली के रंग में पूरी तरह मदहोश हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।